नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु देव के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया, वो जरूर देखिए, जिसमें हमने किस तरह से जातक को धन मान सम्मान प्राप्त होता है, वो वीडियो है अष्टलक्ष्मी योग के बारे में, तो वो जरूर देखिए। आज उसी श्रृंखला में आज हम राहु देव के बारे में आगे की जानकारी दे रहे हैं कि ये किस तरह से लग्न के अनुसार अपना सुफल दे सकते हैं। अगर जो हम सूत्र बता रहे हैं वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आपको जरूर ही आपकी आर्थिक स्थिति लग्न के कारण भी हो सकती है। तो इसकी जो चर्चा करें, जैसा कि बताया गया कि राहु ग्रह जो है वो छाया ग्रह है, और जिस ग्रह के साथ होता है वैसे उसका फल होता है, जिस राशि में होता है उसके अनुसार उसका फल देता है। तो इस तरह से देखा कि मिथुन राशि जो रहती थी, जैसे यहाँ तीन नंबर की जो राशि मिथुन राशि है, यहाँ पे वो उच्च होता है। कई शास्त्रों में बताया गया है कि ये दो नंबर में भी उच्च का रहता है, छह नंबर में ये सौ राशि का हो जाता है, और मिथुन जो राशि है उसमें वो मूल त्रिकोण राशि का हो जाता है, तो यहाँ पे उसके अच्छे फल देता है। ये जो मित्र है, बुध ग्रह का है, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का मित्र है, तो इस तरह से इनकी राशियों में जो है ये अच्छे फल देता है। तो अगर इस तरह के योगों को हम देखेंगे और बात भी करेंगे, आज जो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं लग्न के अनुसार किस तरह से लग्न के कारण आपको आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आप अगर जो भी जातक और जातिका, अगर वो मेष लग्न के हैं, यहाँ एक नंबर की राशि है, या आपकी कुंडली में दो नंबर है यहाँ लग्न के साथ में तो वो वृषभ राशि है, या चार नंबर है कर्क लग्न है तो आपकी कर्क राशि कर्क लग्न है, तो कहने का अर्थ हुआ कि मेष लग्न जो है, वृषभ लग्न और कर्क लग्न के जो भी जातक और जातिका है वो ध्यान से सुने कि अगर ये आपके लग्न है और यदि कुंडली आपके कुंडली में राहु जो है वो दूसरे स्थान पे नवे और दसवें भाव में नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपकी मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो और कर्क लग्न हो, और राहु अगर आपका दूसरे भाव में, नवे भाव में और दसवें भाव में नहीं है, तो ये योग आपके लिए बहुत ही शुभकारी है, और इस के कारण जो है राहु के अशुभ प्रभाव नहीं होंगे, और ऊपर बताए हुए लग्न जो बताए हमने उससे राहु आपको शुभ फल देगा, और उसके शुभ फल होने के कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका लग्न भी बलवान होना चाहिए। राहु अगर जिस भाव में हमने बताया वहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे आप मेष लग्न जो फार्मूला बताया, तो यहाँ मेष लग्न देख रहे हैं आप, तो मेष लग्न में हमने बताया कि वो दूसरे नवे और दसवें भाव में राहु नहीं होना चाहिए, तो राहु यहाँ ग्यारह भाव में बैठा है, वो मूल त्रिकोण राशि है उसकी राहु की, और बलवान होके बैठा है, लग्न भी बलवान है। तो इस तरह से अगर आपका लग्न भी बलवान है और राहु भी जो हमने बताया कि दूसरे नवे दसवें भाव में नहीं बैठा है, और वो जैसे यहाँ राहु मूल त्रिकोण बैठा है, तो इतनी अच्छी स्थिति हो लग्न की और राहु की, जितनी अच्छी स्थिति होगी तो आपको आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह का योग शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह के जो भी लग्न है, मेष लग्न है, वृषभ और कर्क लग्न है, उनके लिए ये बहुत अच्छी शास्त्रों में जानकारी दी गई है। अगर आप भी इस तरह के जातक हैं तो आपके लिए, अगर राहु का स्थिति आपकी कुंडली में दूसरे नवे दसवें भाव में नहीं है, परंतु वो राहु की स्थिति कहीं पे भी हो सकती है, दूसरे नवे दसवें को छोड़ के अगर वो आपका जो ये जो लग्न बताया उसमें आपका राहु अगर तीसरे भाव में, चौथे में, पांचवें में, छठे, सातवें, आठवें और ग्यारहवें और बारहवें भाव में है, और वो अगर उनकी मित्र राशियों में है तो बुध है, वृषभ है, शुक्र है, कुंभ, शनि है,
मतलब ये अगर इनकी राशियों में हो, बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, शनि की राशि में हो, क्योंकि ये उन राशियों में अगर उच्च के हैं, सौ राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये और जो भाव बताए उन भाव में हो, और ये दूसरे नवे और दसवें भाव में राहु नहीं हो, और आपका लग्न मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो और कर्क लग्न हो, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको अपने लग्नों को बलवान करना चाहिए, इसी तरह से राहु के मंत्रों के भी जाप करना चाहिए। राहु के मंत्र है ओम राम राहवे नमः का 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह से आप उनके मंत्रों के जाप करके उनको बलवान कर रहे हैं, और जब भी ये इस तरह का जो लग्न है तिनकी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने रहने के लिए आपने हमने जो बताया उस तरह से आप अपने कुंडलियों में देखिए और जानिए। तो ये हमने राहु के बारे में बहुत ही बुरा बुरा सुना है, अब हम आपको ये बताने के जा रहे हैं कि किस तरह से राहु अच्छे फल भी दे सकता है, जिस तरह से हमने बताया। अगर आपके कुंडली में वैसे ही योग बन रहे हैं और आप जो भी जातक हैं वो मेष लग्न के हैं, वृषभ लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, और आपका अगर राहु दूसरे भाव नवे दसवें भाव में नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपकी इस आर्थिक स्थिति इस तरह के अच्छे फल देगा। तो आज हमने ये जानकारी दी, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब की, वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।